أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मदुलसाम आज मुझे साहेब दादा हजरत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब की सीरत के मतलब कुछ अर्ज करना है आप हजरत मसीह सलाम की लंबी ज़िंदगी पाने वाले बच्चों में से तीसरे नंबर पर थे बेशर इसके के खाक सार खाकसारजरत साहेबजादा साहिब की सीरत और हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ बयान करें बेहतर होगा कि साहेबजादा साहेब की पेदाइश उनके बुज़ुर्ग वालदान और वालदान को अता होने वाली औलाद के मतलब तारीखी हक़ाक और खुशखबरी का ज़िक्र हो जाए ताकि सुनने वाले के जहन में साहबजादा शरीफ अहमद साहिब की सीरत और सबान बयान करने की अहमियत वाज हो जाए जैसा कि हमें मालूम है हज़रत मसीहदलाम की आमद का तजकर बाइबल क़ुरान अदीस हिंदू मत सिख मजहब कि मुकदस किताबों के अलावा चौदह सौ साल के दौरान पैदा होने वाले बहुत से अलिया और मजद्द्दीन के बयान में भी मिलता है बहुत सी पेशकबरी में से एक पेश गोई नहायत काबिल फ़ख्र आला जो नबियों के सरदार हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम ने बयान फरमाई है वो पेश गोई कुछ यूँ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह त हज़रतरते हुए फरमाते हैं, वो हैं कि तर्जा कुछ है कि हजरत ईसा दुनिया में तशरीफ लाएंगे और शादी करेंगे और उन्हें औलाद दी जाएगी हजूर की सदाकत के तौर पर एक और हदीस भी पेश की जाती है जिसका तल्लु हजूर के और उनके सहबा और मददगार के अलावा उनके औलाद पर भी चस्पा होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसम्म ने एक मरतबा सहाबा के दरमियान बैठे फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि अगर ईमान सरे पर भी जा पहुँचेगा तो उनमें से एक बंदा तो इनमें से एक बंदा या ज्यादा बंदे उस तक पहुँच जाएंगे यानि इस जगह रवि को याद नहीं कि हजूर सल्ला वम ने रजुल यानी वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया है या रिजाल यानी जमा का सीगा इस्तेमाल किया है खाक सार के नाकिस राय में इसी में कोई बेहतरी थी कि रवी को याद ना रहा कि कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जहाँ वाहिद का सीगा इस अमर की दलील है कि एक बंदे पर ईमान इम, को वापस लाने की का अक्सर काम सौंपा जाएगा वहाँ जमा के सीगे का बुखारी की रिवायतों में मौजूद होना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि सिर्फ एक बंदा ही एक बंदे ही ने नेह्याए दीन के काम नहीं करने बल्कि फनी फारिस के ज़्यादा बंदों को अल्लाह ताली ये सदर नसीब करेगा लिहाजा रिजाल के लफ्स में वो तमाम मर्द शामिल होते हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मदल से सहबत पाकर आपकी तरबियत से बरह रास्त फैस पाया और आपके नक्श कदम पर चलते हुए हकीकी इस्लाम यानी अहमदियत के मबलक बने इस लिहाज से हजरत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहिब भी हजूर के मीन और मददगार बने आगे जाकर तफसल में हम देखेंगे कि कैसे हज़रत मसीह मौजूद वसलम के ये फ़र्जंद इस हदीस के मजदाक बने अब खास पहली बयान करदा हदीस की तरफ आता है दुनिया में करोड़ा इंसान पैदा होते हैं शादियाँ करते हैं उनके हाँ बच्चे पैदा होते हैं और फिर तभी उम्र पाकर फोत हो जाते हैं अम्ब्या अलिया और मजद्दीन भी आए शादियाँ कं औलादें हुईं और तभी उम्र पाकर वफात पा गए मगर सोचने की बात यह है कि आजूर सल्लासम की इस हदीस के अंदर क्या ख़ास बात है जिसकी उनको करने की ज़रूरत पेश आई कि ईसा नाजिल होगा शादी करेगा और बच्चे भी होंगे वैसे तो इस हदीस के दो पहलू हैं एक ईसा की दोबारा मसीह ईसा के रंग में आमद है और दूसरा आने वाले की शादी और उसके यहाँ औलाद होना इंसान का शादी करना और औलाद होना औलाद होना यह तो एक आम बात है लेकिन आ अलैहि वसल्लम का आने वाले मसीह की शादी और औलाद के बारे में बिलखसूस पेश कोई करना इस अमर पर दिलालत करता है कि मसीह मौत की शादी और औलाद ग़ैरमूली और बेशुमार बरकतों और फजलों की हामिल होगी और ये पेश गोई बिल्कुल इसी तरह ही पूरी हुई हर बच्चा जो हज़रत अकदर सल सलाम के हर में मोहतरम हजरत सैदा नुरत जहाँ बेगम साहबा रज़ी अल्लाह के बतन से पैदा हुआ इलाही बिशारतों के तहत पैदा हुआ हज़रत अकदर सल सलाम अपनी एक नजम में अल्लाह ताली की इस अजीम शान नमत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं खुदाया तेरे फजलों को करूँ याद बिशारत तो ने दी और फिर ये औलाद कहा हरगिज़ नहीं होंगे ये बर्बाद बढ़ेंगे जैसे बागों में हों शमशाद ख़बर मुझको ये तू ने बारह दी फुबहजी अखज़ल आदि अल्लाह तजरत मसीह मऊद को मुखातब करते हुए उनकी औलाद के मतलब फ़रमाया तेरी नस्ल बहुत होगी मैं तेरी जुरियत को बहुत बढ़ाऊंगा और बरकत दूंगा, मगर बाज उनमें से कम उम्र में फोत होंगे और तेरी नस्ल कसरत से मुल्कों में फैल जाएगी हज़रत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत सदा नसरत के बतन से दस बच्चे दिए इनमें से पांच कम उम्र में वफ़ात पा गए और पाँच ने लंबी उम्र पाई हजरत मिर्जा शरीफ अहमद साहब लंबी उम्र पाने वाले बच्चों में से तीसरे नंबर पर थे आपकी पैदाइश की खबर हजूर ने बजरिया वही इलाही कबल अस वक्त दी इस बेशक़ोई के मुताबिक मिर्जा शरीफ अहमद साहब की पैदाइश 24 मई अठारह सौ पचानवे को जमरात के दिन हुई इनकी नस्बत हजरत अकदसम ने हकीकतुल वही में यूं तहरीर फरमाया फे छत्तीसवा निशान यह है कि बशीर अहमद के बाद एक और लड़का पैदा होने की खुदा ने मुझे बिशारत दी चुनाच व बिशारत भी बजरिया इश्तहार लोगों में शाये की गई बाद इसके तीसरा लड़का पैदा हुआ और उसका नाम शरीफ अहमद रखा गया इनके मतलब जो इलाहमत हुए उनमें से कुछ का तस्करा यहाँ किया जाता है इन्नाबर का भी यानी हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं फिर, फिर माते हैं, जब यह पैदा हुआ था उस वक्त आलम कश में एक सितारा देखा था जिस पर लिखा था मेरे हैं शरीफ अहमद को खाब में देखा उसने पगड़ी बांध, बांधी हुई थी और दो आदमी पास खड़े हैं एक ने शरीफ अहमद की तरफ इशारा करके कहा वो बादशाह आया दूसरे ने कहा अभी तो उसने काजी बनना है यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि बाज़ औकात, अंबिया या फिर इस्तादों के मुतल की गई पेश गोइयाँ इलाही तकदीर के मुताबिक उसकी औलाद या आइंदा नस्ल में जाहिर हों हजरत मिर्जा शरीफ अहमद तो ज़ाहरी बादशाह नहीं बने बर उन, मगर उनके पोते हजरत मिर्जा मसरूर अहमद अद्लास अजीज मसीह ज़बान की पाँचवें तख्त खिलाफत पर सरफराज हैं हजूर ने एक जगह यह भी फरमाया काजी को हकम भी कहते हैं काजी वो है जो तायद हक करे और बातिल को रद्द करे एक दफ़ा साहिबजादा साहिब की बीमारी की हालत में हजरत अकदस को मंदरजा झायल इल्हामात हुए अमर खिलाफत तो यानी अल्लाह उसके खिलाफ तवक़ो उमर देगा मुरादों का हासिल तेरी मुराद पूरी हुई अल्लाह खैर अल्लाह बहुत अल्लाह बेहतर मुहाफ़ है और वह सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है और ए, एक और हम यूं है अब तू हमारी जगह बैठ हम चलते हैं हज़रत मिर्जा बशीर हज़रत मिर्ज़ा शरीफ़ अहमद साहिब ने सात साल की उम्र में कुरान करीम हज़रत पीर मंजूर अहमद से पढ़ा दीनी दीनीम और बुखारी शरीफ हजरत खलीफा अव्वल से पढ़ी तीस नवंबर उन्नीस सौ एक को हज़रत मसी मऊद ने अपने तीन बच्चों की मुश्तरक आमीन की बहुत से मेहमान बुलाए गए इस मौके पर आपने शुक्राना के तौर पर एक नज़म कही जिसके चंद अशार बयान करता हूँ खुदाया मेरे प्यारे खुदाया कैसे हैं तेरे मुझ पर अताया कि तूने फिर मुझे ये दिन दिखाया कि बेटा दूसरा भी पढ़ के आया शरीफ अहमद को भी ये फल खिलाया कि उसको तूने खुद फुरका सिखाया सहासता और तर्जमा कुरान का मुकम्मल दर्स आपने हाफिज़ रोशन दीन साहिब से सीखा मैट्रिक आपने पंजाब से किया और इसके बाद कुछ अरसे के लिए आपने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से अरबी जबान की बुनियादी तालीम हासिल की आपका रिश्ता हजूर ने नवाब मोहम्मद अली साहब की बेटी बू जैनब के साथ किया खलीफा अव्वल ने निकाह पढ़ाया मगर शादी हजूर की फात के बाद हुई आपकी जमाती खदमात में से यह भी है कि आप नाजिर तालीम रह चुके हैं इसला रह चुके हैं अहरार के ना नाजर ख़ास और ऐसी जान फिशानी से काम किया कि खुद अहरार ने यह तस्लीम किया कि अगर हमने नावज़बिल् अहमदियत को ख़त्म करना है तो पहले इस शख्स को ख़त्म करना पड़ेगा इस सिलसिले में आप पर अहरार ने जानी हमले भी किए मगर अल्लाह ताली ने आपको अपनी हिफाजत में लिए रखा उन्नीस सौ तिरपन का जिक्र है क्या आपने अपने निज़ाम खास के दफ्तर से क्या आप अपने निज़ाम खास के दफ्तर से साइकिल पर घर की तरफ जा रहे थे कि एक हनीफा नामी आदमी ने पीछे से आकर लाठी से अचानक हमला कर दिया इरादा तो उसका कतर करने का था मगर साइकिल चल रही थी इसलिए लाठी फिसल गई और आपकी पुश्त पर जाकर लगी आप फौरन उतरकर हमला आवर की तरफ हुए तो उसने दूसरी जरब लगाई जो आपके सर पर मारने की कोशिश की बल्कि मार दी, मगर आपने नहायत बहादरी के साथ लाठी को अपने हाथ से थाम लिया हमला आवर भाग गया और अल्लाह ताला ने आपको मज़दाना तौर पर बचा लिया इस्लाम रियत की खातिर आप असीर राह मौला भी बनाए गए यह पाकिस्तान बनने के बाद का वाक है उन्नीस सौ तिरपन में जमात की उन्नीस सौ तिरपन में जमात की मुखालफत, मुखालफत अरुज पर थी आप इस वक्त साहिबज़ादा मिर्जा नासिर अहमद के साथ रतन बाग लाहौर में मुकीम थे जबकि सरासर एक झूठे इल्ज़ाम में दोनों गिरफ्तार कर लिए गए फौजी अदालत ने उन्हें क़ैद बमशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाई लेकिन अल्लाह तला ने फजल फरमाया और दोनों बुजुर्ग तकरीबन दो माह के बाद क़ैद से रहा कर दिए गए एक अहमदिया रेजिमेंट कायम हुई थी आप इसके कमांडर थे आप अहमदी नौजवानों को तरबियत देते ताकि वह फौज में भर्ती हो सकें आपने कादियान में एक कारखाने एक कारखाना भी कायम किया लोगों को रोजगार दिया लोगों को सनत की तरफ लगाया रब्बा में आमद के बाद भी आपने जमाती खिदमत का सिलसिला ऐसे ही जारी रखा रब्बा की बुनियाद रखने के बाद अब्त में शहर के छोटे छोटे नक्शे बनाए गए फिर उन्नीस सौ पचपन में मिर्जा शरीफ अहमद साहब की निगरानी में एक बड़ा नक्शा तैयार किया गया जिसे बाद में शायद किया गया खुदा की मखलूक से महबत आपकी एक सिफत ख़िदमत खल हद से ज्यादा थी सखावत का पहलू बहुत ज्यादा आपकी शख्सियत में नजर आता था देखने वाले बताते थे कि जहाँ बड़े बड़े हुक्मरान और साहेब इस्तात पांच पांच रुपए देते थे आप सौ सौ रुपये दे देते थे और लेने वाला भी हैरान हो जाता और वो मुड़ मुड़ कर देखता कि ये कौन शख्स है बादशाह के इल्हाम के मजदाक आपके अंदर शाह शाहाना थी हज़रत मौलाना अब्दुल्ल साहब फरमाते हैं कि नई दुकान खुलती तो वहाँ जाकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान ख़रीदते ता, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो अगर आंधी तूफ़ान आ जाता तो आप घर से बाहर निकल जाते कि अगर किसी के घर के को नुकसान हुआ है तो उसकी मदद कर सकें हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद और हज़रत नवाब मुबारक बेगम साहबा ने आपकी दुआ के आपकी दुआ की आदत और कबूलियत के मतलब बहुत से वाकयात बताए हैं वो फरमाते हैं आपको दुआओं पर बहुत यकीन था और हर किसी के लिए दर्द दिल से दुआ करते थे एक मरतबा आप किसी के घर ठहरे उनका बच्चा गुम हो गया बच्चा बाहर निकला और गलती से बस में बैठ कर कहीं आगे निकल गया घर वाले बहुत परेशान थे रात एक बजे तक आप इसके लिए दुआएं करते रहे और जब तक अल्लाह ताला ने बता दिया कि बच्चा हिफाजत से है तब तक चैन से ना बैठे फिर खुदा से इतलाफ पाने पर फिर घर वालों को बताया कि बच्चा ठीक है वापस आ जाएगा एक और वाकया जो आपका शायर होने का सबूत भी बतता है वो यूं है कि जब आप लंदन तशरीफ ले गए और जो साथी आपके साथ थे उन्होंने आपको एक दिन बताया कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं तो साहिबजादा साहिब ने कहा कोई बात नहीं अल्लाह मालिक है उसी दिन आप दोनों बाहर किसी काम के से बाजार को निकले तो एक अंग्रेज़ आपकी तरफ सेंट सेंट कहता हुआ आया और एक बड़ी रकम का चेक आपकी खिदमत में पेश करके दुआ की दरख्वास्त की आपके बड़े भाई हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब कमर अंबिया अम्बिया ने अपने भाई की कीफ़ात पर 5 जनवरी उन्नीस सौ बासठ में आपके मुतालिक लिखा कि हमारे इस भाई को हज़रत मसीह सलाम के साथ बहुत लिहाज से अखलाकी और रूहानी खास मुशाभत थी आपका रंग ढंग खदो खाल कद काट दूसरे भाइयों से ज़्यादा मुशाबे था अहम अमूर के बारे में फ़ैसला करते हुए या मशवरा देते हुए बहुत साइब थे ना तो वह अपने एक भाई की तरह ज़बरदस्त जलाली शान रखते थे गोकि ये जलाली शान भी एक खुदाई पेश गोई के मुताबिक है और ना दूसरे भाई की तरह उनमें नरमी और फरोतनी का ऐसा गलबा था जो बाज़ लोगों की नज़र में कमज़ोरी का मुजिब समझा जा सकता था बल्कि आप में हजरत मसीह मदलाम की तरह अपने मजाज में एक लतीफ़ किस्म का तोजुन पाया जाता था अफवात के मौके पर आप पानी की तरह होते थे जो हर चीज़ को रास्ता देता जाता है सजा और कूवत की जायज़ मौक़े में आप एक चटान की तरह होते थे नवाब मुबारक बेगम साहबा ने आपकी वफ़ात पर आपके मतलब मजमून लिखा आप लिखती हैं भाई के पास बहुत इलम था ऐसा वसी इलम जो उन्होंने बग़ैर किसी कॉलेज में पढ़े हासिल किया इस पर हैरत होती थी कि ऐसा ठोस इलम आपने कहाँ से हासिल किया इल्म दीन के हर पहलू पर अबूर था फिर लिखती हैं अरबी में ख़ुद भी कमाल था और नए पढ़ने वाले को ऐसे रोशनास कराते कि बहुत जल्द वो अरबी सीख जाता फरमाती हैं कि हमारे इस भाई को ताबीर पर बड़ा अबूर हासिल था ऐसी आला ताबीर देते और इतनी तफसील से निकात बयान करते कि मैं अपने ख्वाब इनकी ये खूसियत देख कर उन्हीं को सुनाती इसलिए नहीं कि वह मेरा भाई था वह एक हीरा था नयाब सरापा चाँद था वह छुपा रहा अक्सर और छुपे छुपे रुखसत हो गया अल्लाह हमें भी ऐसे अशास के नक्श कदम पर चलते हुए उन रजाल में शामिल करे जो हजरत मसीह महिला की मदद करने वाले हों और दीन मोहम्मद अलैहि अल्लाम को हमेशा जिंदा रखने वाले हों